किया कि मैं जा रहा हूँ तो रात में ही किसानों की स्थिति से अवगत करा दूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा और अपेक्षा यही है कि संवेदनशील राशि दें और बाकी जो सुविधाएं देते हैं किसानों को एक तो ये विषय है। एक लिए कई गांव में केवल सीहोर जिले में नहीं, देवास में भी मैंने बात की, साजापुर में भी मैंने बात की, अलग अलग जगह अफलन की स्थिति पैदा हो गई है और उसके कारण भी लगभग फसल हरी दिख रही है लेकिन बर्बाद है। अब अफलन को भी हमने, मैं मुख्यमंत्री था, धर्म है कि जब ऐसी स्थिति में किसान हैं तो उनके मामले को हम सरकार के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें और कलेक्टर चूंकि सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिले की होती है और चूंकि आज ही किसानों ने सोयाबीन हमको सौंपा तो ये आवश्यक लगा कि हम जिला प्रशासन को अवगत कराएं। इसके बाद हम मुख्यमंत्री जी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और बात केवल इतनी है कि सर्वे करवाइए और क्षति का आकलन करके किसानों को राहत दीजिए, मुआवजा दीजिए। अब जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने तो जब फसल निकली थी तो पता चला एक क्विंटल और 50 किलो पर एकड़ सोयाबीन पैदा हुआ तो पंचनामा बना के राहत की राशि दी थी, मुआवजे की राशि दी थी। अभी आकलन करवा के सरकार ये राहत और मुआवजा वितरण की कार्रवाई प्रारंभ करे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज बीमा कंपनी भी हमने बात की है क्योंकि जब फूल नहीं है और फल ही नहीं है तो दाना तो आएगा ही नहीं, तो फसल बीमा योजना की राशि किसानों को मिले इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करे। और अगर फसल बीमा कंपनी भी नहीं मानेगी तो हम उनको भी घेरेंगे।